हेलो गाइज, मैं आपका दोस्त सभ्य सचिन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सभ्य सचिन चैनल। तो फाइनली गाइज, आज आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ बेस्ट टाइम टेबल फॉर नीट एस्पिरेंट। खासकर जो यकीन बैच को फॉलो कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो होने वाला, बिकॉज लाइव लेक्चर और अपने सेल्फ स्टडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने 3 मंथ पहले भी एक वीडियो बनाया था कि बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है, बट गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ नीट का जो एग्जाम है वो करीब आ रहा है, मतलब कि 6 से 7 मंथ ही बचे हैं। तो अब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ाना होगा, थोड़ा सा हमारे सेल्फ स्टडी के भी टाइम को बढ़ाना होगा। तो मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको बढ़ाना है, और ऐसा मतलब कि मैं टाइम टेबल लेकर आया हूँ जो कि आपके लिए ज़्यादा हैक्टिक नहीं होगा, एकदम स्मूथ होगा, जिसे कि आप इजिली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट जब फॉलो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना, कहीं पर भी स्किप मत करना। मैं आपको मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप कर सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि टाइम टेबल अगर आपको अच्छा लगे तभी फॉलो करना है, ये नहीं कि, क्योंकि हर एक का बॉडी जो है अलग होता है। काफी लोग जो प्रिफर करते हैं नाइट में, मतलब लेट नाइट तक पढ़ना, मतलब रात के 1-2 बजे तक पढ़ना, और काफी लोग अर्ली मॉर्निंग प्रिफर करते हैं पढ़ना, जैसे कि 4 बजे सुबह से उठकर। तो मैं जो आपको बता देना चाहता हूं, मैं ऐसा स्टूडेंट हूं जो कि मॉर्निंग में पढ़ना प्रिफर करता है। तो अगर आप मॉर्निंग में प्रिफर करते हैं पढ़ना, तो मैं जो आपको टाइम टेबल देने वाला हूं आप उसे फिर आराम से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नाइट में करते हैं तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। मैं आपको टाइम टेबल देने वाला हूं मॉर्निंग का, मतलब कि मॉर्निंग से नाइट तक का, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग आपको थोड़ा उठना होगा। तो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइम टेबल। तो गाइस, आपकी जो दिन की शुरुआत होगी वो होगी 4 o'clock से। तो आपको 4 o'clock में उठना है, एंड सबसे स्टार्टिंग में आपको 4 o'clock से 5 o'clock तक फिजिक्स का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे आप मॉड्यूल से सॉल्व कर सकते हो, या आपका कुछ डीपीपी बचा हुआ है तो आप डीपीपी से सॉल्व कर सकते हो, या नहीं तो आप नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपको जो भी करना है, आपको स्टार्टिंग जो है फिजिक्स से करना है, बिकॉज हमारा जो स्टार्टिंग में जो माइंड होता है वो सही चलता है। तो आप स्टार्टिंग जो है अगर इस तरीके के कैलकुलेशन वाले मतलब सब्जेक्ट से करोगे ना, तो आपका दिन अच्छा बीतेगा, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना स्टार्टिंग में, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा और पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। तो गाइज, 1 आवर फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको 5 to 6 जो है आप डेली जो है जॉगिंग कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे कि आपके फिटनेस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गाइज, अगर फिटनेस नहीं रहेगा, आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा, तो आप फिर कोई भी प्रिपरेशन अच्छा नहीं कर सकते हो, चाहे नीट का प्रिपरेशन हो या आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो। डेली आपको अपने हेल्थ के लिए 1 आवर टाइम देना है, तो ये टाइम आपका हेल्थ के लिए होने वाला है। अब गाइज, जॉगिंग के बाद आपको मैं बताना चाहता हूँ 6 से 6:30 में आप बाथ ले सकते हैं, एंड आप अर्ली जो है ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं, आपको लेने का मन है तो आप ले सकते हैं। अब गाइज बात आती है 6:30 से 8:30 आपका सेकेंड स्लॉट होगा सेल्फ स्टडी का, और इसमें आपको जो है टेस्ट का जो भी सिलेबस आया हुआ है उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप रिवीजन कर सकते हैं किसी एक चैप्टर का। फिर वो सब्जेक्ट आपका बायो भी हो सकता है या केमिस्ट्री भी हो सकता है, वो आप अपने मन से कर सकते हो। उसके बाद गाइस 8:30 से 8:55 जो है चिल आउट ब्रेक होगा, इसमें बेसिकली आपको बाहर थोड़ा वॉक करके आ जाना है, जिससे कि आपका जो माइंड है पूरा रिलैक्स हो जाएगा, बॉडी भी आपका फ्री हो जाएगा। क्योंकि गाइस उसके बाद आपको 9 o'clock से लेकर 3:45 तक का आपका लेक्चर होता है, लाइव लेक्चर, जैसा कि आपको पता ही है। तो गाइस उसमें आपको फिर लगातार बैठना पड़ता है, तो फुल फोकस के साथ अगर आपको करना है ना क्लास, तो आप 8:30 से आप मोबाइल अपने से दूर कर लें और थोड़ा वॉक करके आ जाएं बाहर आउटडोर में, जिससे कि आपका जो है आई भी रिलैक्स कर जाएगा, पूरा बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। उसके बाद तो गाइस 9 o'clock से 3:45 तक आपका लेक्चर ही होने वाला है, तो उसमें बीच में केवल 15-15 मिनट का ब्रेक होता है और एक टाइम 30 मिनट का होता है। तो उसमें आपको अपना जो लंच होता है वो लेना होता है, एंड 15 मिनट का जो ब्रेक होता है उसमें आप गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गलती से भी अपना मोबाइल मत छूना, बिकॉज उस समय आपको जो अपने आई को रिलैक्स देना होता है, तो इसलिए आपको उस समय चिल आउट ब्रेक ही लेना है, आपको थोड़ा वॉक करके आ जाना है बाहर, जिससे कि आपका जो आई है वो रिलैक्स हो जाए। क्योंकि 2 घंटे तक आप लगातार स्क्रीन पर देखते रहते हो, और अगर आप फिर ब्रेक नहीं लोगे स्क्रीन से ना, तो फिर आपके आई में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा चिल आउट ब्रेक ले लो और मोबाइल से थोड़ा दूर जाओ 10 से 15 मिनट के लिए। एंड गाइस फिर 3:45 से 4 o'clock तक आपको चिल आउट ब्रेक फिर से लेना है, क्योंकि 3:45 तक आपका जो है केमिस्ट्री का लेक्चर चलेगा। तो उसके बाद आपको ब्रेक लेना है 15 मिनट्स का। उसके बाद गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूं करना कि आपको 4 o'clock से 5 o'clock तक जो है केमिस्ट्री में जो भी नोट्स कराया गया है वो आपको रिवीजन करना है, मतलब कि जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं वो आप रिवाइज करें, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है उसे आपको एक बार रिवाइज कर लेना है, और डीपीपी जो मिली है वो भी आपको उसी समय सॉल्व कर लेना है। 10 से 15-20 मिनट लगेगा डीपीपी सॉल्व करने में, 30 to 40 मिनट्स आपको लगेगा मतलब कि कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस तरीके से आपका 1 आवर में आपका जो पढ़ाया गया उस दिन का उसी दिन आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एंड डीपीपी भी सॉल्व हो जाएगा 5 o'clock तक। गाइस आपका जो है 5 o'clock से 6:30 तक जो है फ्री टाइम होने वाला है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो, आपका जो भी हॉबी आप उसे फॉलो कर सकते हो, लाइक आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट भी खेल सकते हो। लेकिन गाइस मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अगर आप स्पोर्ट्स उस समय खेलोगे ना, और ज्यादा अगर आप कर लोगे, तो उसके बाद आपको जो है प्रॉब्लम आएगी मतलब लेट नाइट तक पढ़ने में। अब लेट नाइट तक का मतलब यह है कि 10 o'clock तक भी कम से कम तो भाई पढ़ना ही है आपको, क्योंकि फिर 4 o'clock तक उठना है। तो अगर आप ज्यादा कुछ लाइक आप जिम चले जाओगे या कुछ ज्यादा एक्सेसिव वर्कआउट कर लोगे ना, तो फिर आपको क्या होगा, नींद आने लगेगा और आप फोकस्ड होकर पढ़ नहीं पाओगे फिर। तो इसलिए ज्यादा आप नहीं करना है,
थोड़ा लेवल पे करोगे तो सही रहेगा। और गाइस काफी लोग ये बोलते हैं कि मैं स्टडी को और यूट्यूब को कैसे मैनेज कर पाता हूँ, तो मैं गाइस बता देना चाहता हूँ यही टाइम को मैं यूटिलाइज करता हूँ 5 से 6:30, जिसमें कि मैं वीडियो भी शूट कर लेता हूँ, एडिट भी कर लेता हूँ और शेड्यूल करके अपलोड कर देता हूँ नेक्स्ट डे के लिए, जिसको कि आप नेक्स्ट डे देखते हो 5 o'clock के आसपास। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। उसके बाद आपको गाइस थर्ड स्लॉट अपना सेल्फ स्टडी का स्टार्ट करना है 6:30 से 7 o'clock तक। इसमें गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको ये करना है कि जो आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था, लाइक फिजिक्स पढ़ाया गया था फर्स्ट लेक्चर में, तो उसके आपको नोट्स रिवाइज कर लेने हैं। बेसिकली जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए गए एक बार फिर से सॉल्व कर लें आप, एंड उसके बाद आपको डीपीपी भी उसी टाइम में सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट लेक्चर का भी रिवाइज हो जाएगा। एंड गाइस अब 7:30 से 9:30 क्या करना है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें भी आपको टेस्ट का ही रिवीजन करना है, कुछ एक चैप्टर आपको रिवाइज करना है। और गाइज मैं इसी टाइम में आपको बता देना चाहता हूँ मैं स्टडी विथ मी लाइव सेशन भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ये वीडियो जिस दिन अपलोड होगा उसके एक दो दिन बाद आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा कि मैं चैनल बनाकर आपको लिंक दे दूंगा, आप उसे सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद मैं रेगुलर जो हो सकता है इसी वीक में स्टार्ट कर दूं सैटरडे से, या नहीं तो मैं नेक्स्ट वीक मंडे से पक्का स्टार्ट कर दूंगा। तो उस समय मैं स्टडी विथ मी लाइव सेशन करूंगा विथ टारगेट्स, जो कि आपको फॉलो करना होगा, और आपको 7:30 से 9:30 ज्वाइन करना है, और हम एक चैप्टर रोज रिवाइज कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारा 7:30 से 9:30 का रूटीन होगा। एंड उसके बाद गाइस 9:30 से 10 o'clock तक आपका जूलॉजी या बोटनी जो भी हुआ हो आपका सेकेंड लेक्चर, उसे आपको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बायो है, तो आप 15 से 20 मिनट में आप नोट्स रिवाइज कर लेंगे, एंड 10 से 12 मिनट में आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा डीपीपी। तो इस तरीके से आपका पूरा लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा, आप दो चैप्टर जो है डेली इजिली पीछे का रिवीजन कर सकते हो या टेस्ट के सिलेबस का रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से काफी प्रोडक्टिव आपका डे चलेगा, और गाइस अगर आप इसे कंसिस्टेंसी से फॉलो करोगे ना तो आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये टाइम टेबल अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। उसके बाद आपको 10 o'clock में सो जाना है, फिर आपको इसी टाइप से आपको डेली इस चीज को फॉलो करना है, 10 o'clock से 4 o'clock सोना है, मतलब कि 6 आवर का आपको डीप स्लीप लेना है। तो सिंपल ये है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपका हेल्प हुआ होगा, इस टाइम टेबल से आपका हेल्प होगा। अगर होगा तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तो गाइस मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।